वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? जय महाकाल। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ इसमें रोड से। इस समय मैं हूँ रोड पे और मैं जा रही हूँ सरेनी ब्लॉग। यहाँ देखिए हम खड़े हैं धान के खेत के पास। कितना अच्छा व्यू है और बड़ा प्यारा लग रहा है। यहाँ से रोड का भी नज़ारा काफ़ी प्यारा है। पर क्या है, रास्ते में हमें रुकना पड़ा, थोड़ा कब अच्छा लग रहा है। मीशो के पापा कोई सामान भूल गए थे तो वापस से लेने चले गए। मैंने सोचा थोड़ी देर यहीं रुक के ब्लॉग बना लेते हैं। मौसम भी बड़ा अच्छा है, हवाएं भी बढ़िया चल रही है। मिसू की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए सबसे पहले हम लोग पहुँचे थे हॉस्पिटल मिसू के इलाज कराने। और ये हमारे गांव का माई का मंदिर है। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो गई थी मॉर्निंग से ही, जो कि जब मैं सारा काम करके घर से निकली थी सरेनी के लिए, तब मैंने स्टार्टिंग ब्लॉग बनाया था अपना। तो मॉर्निंग से ही शुरुआत हो गई थी। रोज़ की तरह आप लोग जानते हैं कि इस समय क्या हल्का हल्का ठंडी चल रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मौसम। तो यहाँ मैंने नीचे की साफ़ सफाई की और मैं पहुँच गई थी छत पर फूल तोड़ने के लिए। आप लोग जानते हैं कि इस समय क्या है कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो बिना नहाए मेरे यहाँ अभी किचन में नहीं जाया जा रहा है, तो इसलिए जल्दी जल्दी काम ही करना होता है सारा सारा, क्योंकि पूजा भी होती है। नहाने के बाद मैं आ गई थी सीधे किचन में, जहाँ की मैंने सबसे पहले बनाई चाय। क्या है, आदत पड़ चुकी है सुबह सुबह चाय पीने की, और इस समय नवरात्र चल रहे हैं तो बिना नहाए किचन में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इधर देखिए मैंने मट्ठा लगा दिया और मम्मी अपनी पूजा कर रही हैं। मम्मी ने पूजा की, फिर हम लोग ने साथ में चाय पी। और इसमें क्या है, नवरात्र की वजह से पूजा करने में काफ़ी टाइम लगता है। और मेरी मम्मी मतलब शंकर जी के मंदिर जाती हैं हमेशा से, और देहरी भी पूजा करती हैं। तो यहाँ मम्मी ने अपनी पूजा वूजा फाइनल की, और मिश्री के इतने ज़्यादा निमंत्रण आ रहे हैं कि यहाँ देखिए कोई ना कोई आता ही रहता है। तो मिश्री का एक दिन में 5 या 6 जगह या 7 जगह ऐसा निमंत्रण होता है। और इधर मैंने मम्मी के लिए थोड़े से मखाने फ्राई किए थे, क्योंकि और कुछ मार्केट वाला नाश्ता नहीं था हमारे पास, देसी नाश्ता था। और थोड़े चने भी हमने नाश्ते में फ्राई कर लिए थे। इसके बाद हमारे घर में आई थी एक नई बहू, जिसकी मम्मी ने ओली भरी। बड़ा अच्छा लगा, छोटे छोटे ऐसे मतलब कुछ भी होता है ना तो बड़ा अच्छा लग जाता है कभी कभी। तो इसमें क्या है, फिर ये मेरा दोपहर का खाना था। दोपहर के खाने के बाद मिसू पापा लाए थे मोमोज, और मम्मी तो मोमोज खाती नहीं, तो मम्मी की आ गई थी थोड़ी सी फ्रेंड, तो मम्मी यहाँ पे कर रही थी अपनी फ्रेंड से बातें। और मिसू पापा अकेले के लिए चाप ले रहे हैं, तो ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, नहीं तो मोमोज ख़त्म हो जाएंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।